नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। पुलिस प्रशासन से अभी तक नहीं मिला कोई इंसाफ। जी हां, लखीमपुर खीरी के निघासन में पुलिस प्रशासन से अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं मिला है। कुतवाली निघासन के ग्राम जसनगर क्यूटरी का मामला है, जहां राजेंद्र कुमार की शादी बरोठा से 12 वर्ष पहले हुई थी। 8 महीने से पत्नी पुष्पा देवी अपने मायके बरोठा चली गई, 3 बच्चे साथ ले गई, 2 वर्ष की एक बच्ची को अपने पति के पास छोड़ गई। 8 महीने से लगातार चाहे वह तिकुनिया चौकी हो या निघासन कोतवाली, तहरीर दे रहा है पीड़ित राजेंद्र कुमार पर उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जब राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल बरोठा जाते हैं, तो वहां उनकी पत्नी पुष्पा और सास ससुर साली व साले सभी लोग मिलकर मारते हैं। आज फिर वही हुआ जो राजेंद्र कुमार के साथ तहरीर देने पर प्रशासन सिर्फ कह देता है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिरकार पीड़ित को कब तक मिलेगा इंसाफ? लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अभिनय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सर, हमारे शादी के लमसम हो गए 10-12 साल सर। ये हमारा बच्चा गोद में है सर, 2 लड़की हमारी और घर पे है सर, एक गोद में उसकी बच्ची है सर। वो सीधे सर कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। अच्छा, तो तुम्हें जो कुछ करना हो तो करो, हम बच्ची अपने घर लेकर चले जाते। कौन है तुम्हारी वो? वाइफ है सर हमारे। कितने दिनों का शादी हुए सर? वो हो गए उसको लमसम 10-12 साल। अच्छा, अब ये जो है वहाँ जाते हैं तो यही कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, तुमको कुछ भी करना है करो। एक दो बार यहाँ से भी जो है आए, फिर जो है एक बार थाने से लेकर भी चले गए, तब भी सर वो जो है अपने आप पर अकड़ी हुई है, नहीं जाती है। शादी कहाँ से हुई तुम्हारी? बरोठा गांव से सर। तुम कहाँ रहने वाले हो? केवटली जसनगर सर, तिकुनिया के पास है। अच्छा, यहाँ कहाँ हो? थाना हमारा तिकुनिया लगता है सर। अच्छा, कितने बच्चे हैं? सर 4 बच्चे हैं, एक बच्चा उसके गोद में है, 3 हमारे पास है। क्यों नहीं पर रुक रही तुम्हारे पास, क्या समस्या है? और सर हमारे पास इसलिए नहीं रुक रही साहब, हम गरीब आदमी हैं, राजगिरी का काम करते हैं, घर रहे टाइम से नहीं रहे साहब, अपने आप झोला झंकड़ा उठाती है, कपड़े लत्ते भर कर भाग आती है यहाँ बच्चे छोड़कर। यहाँ कहाँ आए हो? यहाँ आए थे ससुराल लेने। और साहब अब जो है जा नहीं रही है, इसलिए जो है हम कह रहे हैं कि चलो। नहीं, अब यहाँ कहाँ आए हुए हैं? यहाँ आए हैं निघासन तहसील से। अच्छा, यहाँ क्या कहने के लिए आए? यहाँ आए थे थाने सर। फिर तो वहाँ कहे कि आपकी जो है समाहित होगी। अच्छा, साहब लोग बताए कि जाओ घर, तो हम इसलिए साहब जो है आए थे यहाँ। अच्छा, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि बस अपने घरे चले चले, बस हमारे बच्चे देखें, हम खिलाएंगे पिलाएंगे। ये था अभी कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।